हमारे साथ बीजेपी सांसद महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, इस वक्त बजट आज पेश हुआ, आप अंदर पूरा आपने भाषण सुना बजट का, लेकिन देश में जो इस वक्त चर्चा है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, रोजगार को लेकर के और व्यापार को लेकर के, यानी कि आपकी आर्थिक नीति जो सीधे सीधे आपके बजट से संबंधित है, तो जो एक नाउम्मीदी देश में बन रही है, इस बजट से नाउम्मीदी पर कितनी उम्मीद है? देखिए, आज जो तीन विषय आज वित्त मंत्री जी ने उठाए हैं कि आज हम इकोनॉमिक स्टेटस के लिए, केयरिंग फॉर इंडिया स्ट्रक्चर के लिए और एस्पिरेशनल जो हमारा इंडिया, उन तीनों इश्यूज को एड्रेस किया गया है। एस्पिरेशन का मतलब सबसे पहले है उनका कि रोजगार, कि उनकी हम इनकम बढ़ाएंगे, इन्वेस्ट उनकी इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोजेंगे। आज सभी विषयों को आज एड्रेस किया गया है और आने वाले 10 वर्षों तक देश की आर्थिक हेल्थ को ये बजट डिफाइन करता है। आज हमने अपना फिस्कल डेफिसिट 3.8 पर फ्रीज कर एक टारगेट रखा है, 3.5 तक ले जाएंगे। मध्यम वर्ग के लिए जो एक टैक्सेशन बेनिफिट दिया गया है, 5 लाख से लेकर 10 लाख वालों तक को 20% की बजाय 10 और 15% के ब्रैकेट में लाया गया है। स्टार्टअप्स के लिए जो इनकम टैक्स जो टैक्सेशन था वो 15% और 22.5% के जो वर्ल्ड में लोएस्ट आज टैक्सेशन बेनिफिट उनको दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये बजट हर तरह की चुनौतियों के लिए स्वीकार करने के लायक बजट है। किसानों के लिए इसके अंदर 6 करोड़ किसानों को बेनिफिट दिया गया है। डॉक्टरों की जो बहुत भयंकर कमी थी, एक नया मॉडल दिया गया कि PPP मॉडल पे ऊपर वो काम कर सकेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ एसोसिएशन। 4 लाख लोग आज भी अंदर डॉक्टर्स की हमारे यहाँ एक्यूट शॉर्टेज है। तो आज सभी व्यवस्थाओं को आपको लगता है कि जो स्लो डाउन और आर्थिक मंदी की विपक्ष बार बार बात कर रहा था, सरकार ने भी ये महसूस करके इस बजट को इस तरह से लिया है? हमारे दो टारगेट ही थे कि रोजगार डेवलपमेंट करना, ताकि निवेश को हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, निवेश को स्टार्टअप्स के लिए किया गया है। हमारे दो ही टारगेट्स के कि उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े हमारे आम जनता की और इन्वेस्टमेंट की उनकी कैपेसिटी बढ़े। तो सर, विपक्ष का पूरा आरोप है कि बाजार जो है मंदी के दौर से गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। ये अर्थव्यवस्था का आज भी आपने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा होगा कि अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी का लोएस्ट फेज है, अब हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये थे बीजेपी सांसद महेश शर्मा। विपक्ष के तमाम आरोपों को नकारते हुए कहना है इनका कि बजट जो है हर मामले में, हर तरीके से बिल्कुल ठीक है और हर सेक्टर को इससे फ़ायदा मिलेगा।